माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग कुछ झूठी शिक्षाएं जो चल रहा है उसका गहराई में पढ़ाई कर रहा है और उस झूठ को पर्दाफाश कर रहा है। सत्य टीचिंग क्या है, कैथोलिक चर्च या आधिकारिक रूप से जो सिखा रहा है उसके विषय में हम लोग सीखते जा रहे हैं। आज का क्लास इस प्रकार का 17वां क्लास है। 16 क्लास आप लोगों ने अब तक दे चुका है और इन टिप्पणियों में आपको मिलेगा अनेकों ऐसे लोग मुझे गालियां देता हुआ, मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं बुला रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं इन क्लासों को लेकर के सत्य सत्य क्या है इसको सिखाना चाहूंगा। लोगों को झूठी शिक्षा से बचाना चाहते हैं। कई अज्ञानी लोग, अनपढ़ लोग, उन लोगों के ऐसे ऐसे शिक्षाओं में पढ़ करके बर्बाद हो रहा है। ऐसे ऐसे झूठी शिक्षाएं जिसको मालूम नहीं है, वो बेचारे लोगों को भी मालूम नहीं है। उसके लिए अच्छे उदाहरण है इसके अंदर जो लिखा हुआ, टिप्पणियां पढ़ करके देखिए, उसी के अंदर ही कितना मूर्ख सवाल करते हैं। इतना क्लास लेने के बाद भी उन्हीं क्लासों के ऊपर आज भी पूछ रहा है, अभी क्या बोल सकता है, क्योंकि शैतान ने इनके आंखों पर ऐसा पट्टी बांध कर रखा है, सत्य को जानने का कृपा इनको नहीं मिल रहा है। प्रभु उनको बचाना चाहते हैं। शायद मेरे विचार में केवल कैथोलिक लोगों के लिए नहीं, मैं इन क्लासों को ऐसे जो लोग भटक गया है वे भी देखें और समझें। आप लोगों को जो शिक्षा मिल रहा है वो प्रभु की ओर से नहीं है। ये जो बाइबल का जो व्याख्या कर करके दे रहा है वो ऐसा नहीं है, ये झूठी शिक्षा में आप लोग है। आप लोगों को मैं इसके द्वारा बचाना चाहता हूं। इसलिए क्यों ये जो पेंटेकोस्टल कलीसिया 40,000 रजिस्टर्ड वाला है, अनरजिस्टर्ड भी बहुत है। मैं स्वयं जान रहा हूं ऐसे कई लोग जो अपना कलीसिया चला रहा है। एक व्यक्ति है, वो अपना 8-10 लोगों को इकट्ठा किया और ऑनलाइन में हो ऐसे ऐसे कर करके कमा रहा है, जी रहा है। उनके खाने में मैं मिट्टी नहीं डालना चाहता हूं। ऐसे बहुत लोग हैं, अपना अपना कलीसिया चला रहा है। तुम कौन से कलीसिया को, तुम्हारा कलीसिया किसी ने स्थापित किया, पूछ कर देखना। सोच रहा है हम अपना अपना कलीसिया बना सकता है, मैं प्रभु का सेवक हूं। अभी पास्टर शब्द सब छोटा हो गया, अभी तो बड़े बड़े अपस्टल बन गया है कोई कोई, पता नहीं क्या क्या टाइटल्स सब लोग डालना शुरू किया है। ऐसे ऐसे टाइटल्स डाल करके लोगों को उल्लू बना रहा है। अनेकों का जिस प्रकार इसराइली लोग ईश्वर के मार्ग पर नहीं चला, तब ईश्वर ने उनके विरुद्ध में विरोधी राजाओं को, देश को भेजा, उनके ऊपर आक्रमण किया। राजा नबुकदनेस्सर इसके लिए उदाहरण, अनेकों लोगों को तलवार के काट उतारा, अनेकों लोगों को बंदी बना करके बाबुल में लेकर के गया। बाबुल निर्वासन उनके लिए कितना भयानक जीवन था। 49 वर्षों का जीवन उन लोग अपने बच्चों को मार करके खाना पड़ा। इस प्रकार का जीवन हमें बाइबल से मिलता है। क्यों नबुकदनेस्सर के हाथ में गया,
क्योंकि ईश्वर के सत्य वचन के अनुसार वे लोग जीवन नहीं जिया, ईश्वर के वचन को अपने लिए तोड़ मरोड़ करके किया। यही हालत है आज। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 20 और 21 को अगर हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 17 वर्स 20 और 21 में थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ईसा मसीह ने अपने दुखभोग के पहले महापुरोहित का प्रार्थना बोल करके लिखा हुआ है, एक प्रार्थना। सबसे पहले अपने लिए वो प्रार्थना किया, इसके बाद वो कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या है देखो, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर उनमें विश्वास करेंगे। केवल मैं प्रेरितों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, बल्कि ये प्रेरित जहां जहां जाकर के वचन सुनाएंगे मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। बाकी 21 में क्या लिखा है, सब के सब एक हो जाए। इसका मतलब प्रभु को मालूम था आगे चल करके लोग अपना अपना शिक्षा देना शुरू करेगा, बोलेगा मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, बाइबल को हाथ में रख करके अपने अपना तरीके से। मैं हाल ही में एक क्लास डाला था, किसका सुसमाचार, अपना सुसमाचार या प्रभु का सुसमाचार, क्या घोषणा कर रहा है। इस प्रकार का इंडिपेंडेंट कलीसिया केवल पैसा कमाना, नाम कमाना, अपना सुसमाचार, अपना रीति, अपना तरीका, जो मर्जी आया, इस बाइबल को और प्रभु के नाम को इतना अधिक बर्बाद करके रख दिया। इसलिए इस दुनिया में क्यों क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यही कारण, यही कारण। अपना अपना कलीसिया, अपना अपना घर में कलीसिया, अपने अपने घरों में कलीसिया। भारत देश में अनेकों जगहों पर ऐसा घर बंद हो गया अभी, क्योंकि प्रभु ने नबूकदनेस्सर को भेजा ऐसे ऐसे घरों को बंद करने के लिए। ये प्रभु का सेवा नहीं है। अगर प्रभु का सेवा होते तो इन लोग घर बंद करके, दुकान बंद करके नहीं भागना था। यहां पर प्रभु ने बोला है सबके सब एक हो जाए। पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। क्रिस्त में हम एक बनने की जरूरत है। अपना अपना कलीसिया बनाने के लिए प्रभु ने कहीं नहीं कहा। बाइबल के अंदर पेत्रुस ने अपना कलीसिया बनाया, याकूब ने अपना कलीसिया बनाया, पौलुस ने अपना कलीसिया बनाया, या थॉमस ने अपना कलीसिया बनाया, ये नहीं लिखा हुआ है। तब एक कलीसिया था, सब लोग जगह जगह जाकर के उस एक सुसमाचार सुनाया, एक अध्यक्ष के अधीन रह करके कार्य किया। इसलिए प्रभु ने कहा ये एक हो जाए। विश्वासियों का समुदाय ईसा मसीह में एक होने की जरूरत है। कलीसिया एक होने की जरूरत है। एक दूसरे के ऊपर वार कर करके, कैथोलिक कलीसिया के ऊपर कीचड़ उचाड़ करके, हम लोगों ने अभी तक 16 क्लास सुन चुका है कितना कीचड़ उछाड़ रहा है। और इसके अंदर टिप्पणियों में लिख लीजिए जो लोग ये क्लास सुन करके, उन लोग क्या क्या टिप्पणियां लिख रहा है, क्या क्या टिप्पणियां लिख रहा है। इतना सब कुछ साफ साफ बाइबल के अनुसार सिखाने के बावजूद भी क्या आरोप लगा रहा है, कितना कितना निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है शैतान। इसी वजह से ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की प्रार्थना है जिस तरह प्रभु एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उसी प्रकार कलीसिया को एक होने की जरूरत है। चाहे कोई भी कारण बोल करके तुम निकल गया है, वापस लौटना है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की उस कलीसिया के साथ एक होना है। एक जिस दिन बनेगा उस दिन ये पूरा संसार ईसा मसीह में विश्वास करेगा। आज हमारे भारत देश में ही चर्च चर्च में आपस में लड़ रहा है, किसी और को लड़ने की जरूरत ही नहीं। क्रिश्चियन लोग ही आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, एक दूसरे के कार्य में बाधा डाल रहा है। क्यों, क्या कारण है, सब अपना अपना मर्जी का चला रहा है।
कैथोलिक चर्च सबसे दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा, 140 करोड़ से ज्यादा जो कैथोलिक लोग हैं, संत पापा के अधीन रह रहा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा है सबके सब एक है करके, जैसे केरल के जीरो मलबार चर्च के अंदर अब फुट निकला हुआ है, हम संत पापा को भी नहीं मानेंगे। देखो ये फुट 16वीं सदी में इसी प्रकार के पुरोहित तो फुट कर करके गए, उससे पहले भी अनेक ऐसे पुरोहित लोग है ना, थियोलॉजी ये सब सीखा हुआ है और उनका मन में कुछ और वचन और रीति आ रहा है, वो ऐसा अपना मर्जी का सिखाना शुरू किया, अपना कलीसिया बनाना शुरू किया। ये है फूट का, अपना बुद्धि अपने अधीन में। एक राष्ट्र अगर चलना है, राष्ट्र में एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट होना जरूरी है, उनके अधीन लोग रहना पड़ेगा। कुछ राष्ट्रों में हमें मालूम है आर्मी आकर के अधीन करके आर्मी के कब्जा में करता है, क्या कारण है, जहां हड मजबूत नहीं है वहां पर ऐसा होता है। घर अच्छा चलना है, घर का हड, घर में माता पिता का आदर सम्मान होना चाहिए, मिलकर के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, उनके अधीन रहने वाला होना चाहिए, नहीं तो उस घर में फूट आता है, देश में फूट आता है, उस कलीसिया में फूट आता है। जो ईसा मसीह ने जिसे कलीसिया का मुख्य बनाया उसके अधीन ना रहने के कारण ये फूट इस प्रकार शुरू हुआ। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 813 के अंदर इसलिए बताया है कलीसिया एक है क्योंकि क्रिस्त एक है, एक क्रिस्त है, उनका शरीर को हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता, क्रिस्त एक है, इसलिए कलीसिया भी एक होना चाहिए, इसलिए कलीसिया एक है। ईसा मसीह ने उस एक कलीसिया को पेत्रुस रूपी चट्टान पर निर्माण किया है, इसको अपस्टेलिक सक्सेशन कहते। मत्ती का सुसमाचार दिया 16:18-19 के अंदर और योहन का सुसमाचार दिया 21:15-16-17 के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ईसा मसीह की इच्छा है कलीसिया एक पेत्रुस रूपी संत पापा के अधीन रहना चाहिए। कैटेकिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 877 में 877 में लिखा है ईसा मसीह इस प्रकार 12 प्रेरितों का एक समुदाय को एक चट्टान पर एक बना करके वो स्वयं उस कलीसिया का शीर्ष बन करके रहा। वहां इस प्रकार का एक पवित्र हायरार्की को प्रभु ने घटित किया। ईसा मसीह ने, मैंने एक दो बार कलीसिया की स्थापना का मैंने कैसे 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 यूक्रिस्तीय कलीसिया, यहूदी कलीसिया, गैर यहूदी कलीसिया, उसको पेत्रुस रूपी चट्टान के अधीन में रखना, ये सब बोल करके मैंने उसको भी कई बार, मेरे विचार में 2-3 बार इसको भी मैंने सिखा चुका है। तो इस प्रकार एक सेक्रेट हायरार्की को प्रभु ईसा मसीह ने स्थापित किया है। उस हायरार्की के अनुसार, उस अधिकार के अनुसार हमें रहने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो टीचिंग है, तिमती को लिखा हुआ पत्र 1 तिमती अध्याय 3:5 में हम लोग पढ़ सकते हैं। वो जो टीचिंग, जो अधिकार जो कलीसिया को मिला हुआ है, कलीसिया इंटरप्रेट कर करके वचन, हाँ इसका क्या अर्थ है, कैसे जीना है, कौन बोलेगा, कलीसिया बोल करके देना है, हम अपना मर्जी से बोल करके नहीं, 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 बाइबल ऐसे लिखा हुआ मैं ऐसा जीऊंगा। इसलिए अनेकों चर्चस अपना अपना चर्चस बना, ये क्रिस्त का कलीसिया नहीं है, क्रिस्त विरोधी कलीसिया, क्रिस्त में क्रिस्तियों के बीच में फूट डालने के लिए ये सैतान के द्वारा इस प्रकार का कलीसिया। हमें पवित्र बाइबल के अंदर जो लोग ऐसा इंडिपेंडेंट कलीसिया बनाकर कह रहे हैं, मुझे एक वचन बाइबल से दिखा दीजिए जहां ईसा मसीह ने अनुमति दिया जाओ तुम अपना चर्च बना दो, जाओ तुम अपना चर्च बना दो, एक वचन दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा, पूरे बाइबल के अंदर नहीं। चर्च से डिवाइड हुआ, मेजर एक डिवीजन हुआ 1053 या 54 में, ग्रेट सीजन, ईस्ट एंड वेस्ट का डिवीजन। इसके बाद हमें मालूम है हेनरी 8 के समय पर और 16वीं सदी में मार्टिन लूथर के द्वारा
ऐसे ऐसे जो डिवाइड होकर के जो गया, क्यों गया, उसका कारण को भी देखने की जरूरत है। अपने कुर्सी को बचाने के लिए, मैं बड़ा हूं यह दिखाने के लिए, पेत्रुस की उस अधीनता को मैं ग्रहण नहीं करूंगा ये बोल करके चर्च में डिविशन शुरू हुआ। यह शैतान का कार्य है। कैथोलिक कलीसिया का कैटेगिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च धर्म शिक्षा के अंदर 85 में लिखा है, ये जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन, जो वर्ड ऑफ गॉड या जो कुछ जो ट्रेडिशनली जो आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन चर्च को ही करना चाहिए, इंडिविजुअल ना करें। मैं जो कुछ सिखाऊंगा, मैं सीखूंगा सबसे पहले चर्च क्या सिखाए, उसको सीखने के बाद मेरे पास कैटेगिज्म है, मेरे पास वेटिकन काउंसिल का है, ऐसा काफी किताबें, काफी नॉलेज और इंटरनेट में ढूंढूंगा, ऐसे ऐसे करके काफी मेहनत कर करके मैं सीखूंगा, इसके बाद नोट बनाता हूं, इसके बाद में क्लास लेता हूं, ताकि मेरा कोशिश है मेरी शिक्षा में कोई गलती ना हो। कैथोलिक चर्च के साथ जुड़े रह करके मैं टीचिंग करूं, अन्यथा मैं स्वयं शैतान के वश में पढ़ करके मैं स्वयं बर्बाद होऊंगा और मुझे सुनने वाले अनेकों का बर्बादी का कारण बनेगा। एक बहुत खतरनाक चीज है। कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 1:10, 1 Corinthians 1:10 इसके विषय में लिखा है, इस प्रकार का डिविशन आपस में नहीं होना चाहिए। और कैटेगिस्म 817 में भी इस डिविशन के विषय में बता करके दे रहा है। कैथोलिक चर्च में सत्य का पूर्णता निवास करता, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इस कलीसिया को संचालित करता है, इसलिए इस कलीसिया से जुड़ेंगे सत्य की पूर्णता, मसीह इस कलीसिया में निवास कर, मसीह का शरीर है। इसलिए यदि हमें सत्य के पूर्णता तक जाना है, कैटेगिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 819 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं, सत्य के पूर्णता की ओर जाने के लिए इस चर्च से हमें जुड़े रहना जरूरी है। अपना अपना कलीसिया बना करके सिखाने का मतलब हो गया डिक्टेटरशिप, तानाशाही, वो तो वही करता ना, अपने सुख के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने मर्जी का जो चलाना, ये चाहे वो घर हो, घर में अगर पिता अरे मैं कमा रहा हूं, मैं पैसा, मैं पीऊंगा, ऐसा रहूंगा, ऐसा बोला, वो तो डिक्टेटरशिप हो गया, तानाशाही है। ऐसे जगहों पर घर के अन्य लोग, पत्नी, बच्चे, ये सब जो है उनको बहुत सहन करना पड़ेगा। ये तानाशाही स्वभाव अच्छी बात नहीं है, हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो कलीसिया को एक बनने की जरूरत है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया है उस कलीसिया से जुड़े रहना, उसके अधीन रहना, और वो कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है उसको मानना हमारा कल्याण है, उसको मानने में हमारा कल्याण है। एक और वचन बोल करके मैं खत्म करूंगा, इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 में, हिब्रूस चैप्टर 13 में, वहां पर साफ साफ हमें ये सिखाता है कि पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग ईसा के द्वारा ईश्वर की स्तुति का बलिदान अर्थात उनके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर अर्पित करें। वाक्य 17 में जाएंगे, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। हिब्रूस चैप्टर 13:17 को भी पढ़ रहा हूं, आपके नेताओं को जिनको प्रभु ने अधिकार देकर के कलीसिया में पुरोहित, बिशप, पोप ये स्थान देकर के रखा है, उनको दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है, उसका आंसर देना है क्योंकि प्रभु ने चुन करके उनको अधिकार दिया है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें।
बाइबल यही सिखाते हैं, कलीसिया के अधीन रहो, उनका आज्ञा पालन कर लो, क्योंकि उनको इसलिए अधिकार देकर के नियुक्त किया है उनको बाइबल सिखाने का। आपको स्वर्ग राज्य तक लेके जाने के लिए जो कुछ जरूरत है वो इस कलीसिया के द्वारा प्रभु हमें देगा। हमें केवल चुपचाप अधिकारियों के अधीन रह करके पवित्र जीवन जीना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, सुसमाचार के प्रचारकों, हमारे पल्ली पुरोहितों, सबों को याद कीजिए, प्रभु से विनती करें वे अपने बुलाहट के अनुसार पवित्र जीवन जी सके, अपने भेड़ों के लिए एक सन्मार्ग दिखा सके, अपने जीवन का सही उदाहरण दिखाते हुए अपने भेड़ों को सन्मार्ग पर ले चले। प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।